दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको बताने वाला हूं कि 68 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाला है उसका तैयारी किस तरीके से किया जाए ताकि आप सफल हो सके। अब तैयारी करने का जो तरीका है हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। यहां पर मैं अपना तरीका, अपना स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसके भी पहले मैं अपना मार्क्स आपको दिखाना चाहता हूँ 67 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में जो 30 सितंबर को संपन्न हुआ था। मेरा सेंटर सहरसा में था, मुझे 119 मार्क्स प्राप्त हुआ है। मैंने जब कैलकुलेट किया था तो मेरा 117 आ रहा था जो बीपीएससी आंसर जारी किया था। अब उसके बाद 8 क्वेश्चन का जो उत्तर है उसमें चेंजिंग किया गया था, तो अंततः 119 मार्क्स मुझे प्राप्त हुआ है प्री एग्जामिनेशन 67 में। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, समझते हैं जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, और मैं इसी वजह से वीडियो बना रहा हूं कि किस तरीके से तैयारी किया जाए 68 बीपीएससी प्री का। फरवरी में होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 3 महीना लगभग समय है, 3 महीना से भी कम। मेरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, किताबों की संख्या बहुत ही कम होना चाहिए। मैंने कौन सा किताब पढ़ा था हम वो बता देते हैं। मैंने पढ़ा था लूसेंट, वन लाइनर होता है वो वाला। कौन सा? लूसेंट, जो वन लाइनर होता है वो वाला, ठीक है, एक किताब। दूसरा किताब है बिहार स्पेशल, इम्तियाज अहमद का। तीसरा किताब है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल इन द सेंस बिहार का करेंट अफेयर्स, वो कंपटीशन मेड ईजी, वो कोचिंग जहाँ मैं पढ़ता हूँ उसका किताब है स्पेशल। और वो किताब मिलता भी है जो संजय जी का किताब दुकान है या छोटू का किताब दुकान है बीपीएससी गेट के पास, मिल जाएगा वो किताब। और एक और किताब जो मैंने फॉलो किया था एजुटेरिया करेंट अफेयर्स के लिए। तो बस इतना ही मेरे किताब का लिस्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है बार बार प्रैक्टिस करना। अब जैसे लूसेंट है तो उसका बार 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 प्रैक्टिस करना, चाहे उसका इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मतलब जो भी पोर्शन हम पढ़ रहे हैं उसका हर 2-3 दिन पर रिविजन करते थे हम लोग ग्रुप में। तो अगर आपके पास ग्रुप है तो बेहतर बात है, और अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो आप बोल बोल के अपने रूम में ही पढ़िए। मन में पढ़ने से ज्यादा बेहतर है बोल बोल के पढ़ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इससे वाकई आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर ऐसा तरीका आप अपनाते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ लूसेंट बता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लूसेंट ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी बेसिक किताब आप पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग क्राउन पढ़ते होंगे जो बिहार के बाहर होंगे, मे भी हो सकता है कि कुछ स्पेशल गाइड वगैरह पढ़ते होंगे, तो जो भी किताब वो फॉलो करते हैं उसी को वो बार 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 पढ़ते रहें। प्री एग्जामिनेशन में सक्सेस का यही मंत्र है, प्री क्या किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस का यही मंत्र है कि आपका जो स्रोत है वो बहुत सीमित होना चाहिए और उस स्रोत पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और नियंत्रण कैसे होगा? बार 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 बहुत बार अभ्यास करने से। तो ये तरीका है, इसको आप भी आजमाइए, बोल बोल के पढ़िए। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा धैर्य बनाए रखें। और जहाँ तक गणित की बात है तो 10 क्वेश्चन रहेगा, कितना? 10 क्वेश्चन रहता है। अब उसमें भी अब ये सवाल है कि 10 क्वेश्चन जो गणित का रहेगा उसका तैयारी कैसे करें, कहाँ से क्वेश्चन रहता है? तो सामान्यतः मैक्सिमम टाइम जो बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर 10वां स्तर का ही मैथ का सवाल पूछा जाता है। हालाँकि कभी कभी रेयर चांस में प्लस 2 लेवल के भी कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो मैथ से जुड़ा हुआ जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। और हाँ, सवाल एक भी छोड़ना नहीं है अभी तक। लेकिन 68 को लेकर के अब क्या होने वाला है, नेगेटिव होगा या नहीं होगा, अब तो देखने वाली बात है। अभी तक तो ट्रेंड यही रहा है कि सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो किताबों की संख्या है बहुत ही सेलेक्टिव होना है। तो एक बार फिर से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि किताबों की संख्या बहुत ही लिमिटेड रखें आप, न सिर्फ 68 बीपीएससी प्री के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपको बिहार दरोगा का तैयारी करना हो या सचिवालय सहायक का, किताबों की संख्या बहुत ही कम होना चाहिए। और जो किताब आपने आपके पास है लूसेंट क्राउन या जो भी किताब है, आप उसी का बार 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 बोल बोल के पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं। अगर आपको बोलने का मन नहीं है तो आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स या कुछ भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। बहुत सारे लोग बस मन में पढ़ते हैं, ये उतना कारगर तरीका नहीं है जितना कारगर बोल बोल के पढ़ना है। बोल बोल के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, किताबों के बारे में मैंने आपको बताया, और कितना देर आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 5-6 घंटा मिनिमम, उससे ज़्यादा ही हो, क्योंकि ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि बस आप 2 घंटा पढ़ाई कर ले और हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, कम से कम 5-6 घंटा मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। और हाँ, जितना देर आप पढ़ाई करें, आपके पास
एक एनर्जी होना चाहिए, आप उमंग उत्साह के साथ पढ़ाई करें। अगर आपके दिमाग में कुछ उत्साह उमंग नहीं है, मतलब अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है पढ़ाई के प्रति, तो आप अपने माइंड को पहले तैयार करें, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करें। दोस्तों हमने अभी 68 बीपीएससी प्री के बारे में बात किया, इसके अलावा बिहार दरोगा बिहार सचिवालय के बारे में भी थोड़ा सा बात किया कि कुछ ही किताब को बार बार प्रैक्टिस करें, यही सफलता का मूल मंत्र है। अब थोड़ा सा मेंस के तैयारी के बारे में बात करते हैं कि मेंस का तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए भूतों का भी रिजल्ट आया है 67 बीपीएससी प्री में, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर के लास्ट में मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, मे भी शायद डेट को बढ़ाया जाए, अब तो वो देखने वाली बात है। तैयारी कैसे किया जाए, तो देखिए तैयारी के लिए सबसे पहले तो DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी का एक सवाल आपको डेली अभी से सॉल्व करना शुरू कर देना होगा। क्या DI का एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना होगा, नंबर वन बात। नंबर दो बात है कला संस्कृति वाला टॉपिक कहाँ से करें, कला संस्कृति जैसे कि पटना कला मौर्य कला कहाँ से करें, तो इसका जो स्रोत है, जो सबसे बेहतरीन स्रोत है, वो मैं आपको बताता हूँ, सार्थक पब्लिकेशन का किताब। क्या सार्थक पब्लिकेशन का बिहार कला संस्कृति का किताब आता है, बीपीएससी गेट के पास जाइएगा, जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है बीपीएससी मेंस GS1 के लिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है वो है विजन आईएएस का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। अब उसमें भी सवाल है कि क्या पढ़ें, तो वो तो अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो पिछले एक साल में पिछले 6 महीना में हाइलाइटेड रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल मामला हो या राष्ट्रीय मामला हो, तो उसको आप छाट कर तैयारी स्टार्ट कर दें। अब दोस्तों GS2 की बात करते हैं, GS2 में है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में कौन सा टॉपिक करे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है या लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपको VISN IAS का बेसिक किताब लेना है, VISN IAS का बेसिक किताब मिलता है, आप BPSC गेट पास जाइएगा, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था का हिंदी इंग्लिश दोनों में किताब मिल जाएगा। क्या क्या पढ़े, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आप पढ़िए। अब आप कहिएगा 15 क्वेश्चन कौन सा, तो वो तो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिसर्च करें और 15 क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करें और उन्हीं 15 क्वेश्चन को आप VISN IAS के नोट्स से करें, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स कहाँ से करें, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी VISN IAS मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स में भी क्या करें, गेस क्वेश्चन करें, गेस क्वेश्चन आप खोजें और गेस क्वेश्चन को ही आप VISN IAS से करें। पर्यावरण का सवाल या साइंस टेक का सवाल वो भी आप VISN IAS से ही करें, ठीक है। तो GS1 GS2 के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके अलावा ऑप्शनल कहाँ से करें, ऑप्शनल का थोड़ा सा इशू है, ऑप्शनल के लिए आपको अच्छा नोट्स होना चाहिए किसी अच्छे कोचिंग का, जो भी आपका ऑप्शनल हो, चाहे इतिहास हो भूगोल हो जो भी हो, अच्छा कोचिंग का नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी लिखने से मेंस में नंबर नहीं आने वाला है, तो अच्छा कोचिंग का नोट्स का उपाय तो आपको करना ही होगा। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेंस का किस तरीके से तैयारी करें, GS1 GS2 और ऑप्शनल। तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि GS1 GS2 और ऑप्शनल के लिए सोर्स क्या होना चाहिए। अब तैयारी कैसे करें, तो जाहिर सी बात है आपको बार बार पढ़ना होगा, जैसे कि एक पॉलिटी का टॉपिक है VISN IAS में दिया हुआ भी है, राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण चर्चा में रहा था, तो उस टॉपिक को आप 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप में डिस्कशन करें, अगर ग्रुप नहीं भी है तो आप उसको बार बार पढ़िए, और यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे मतलब यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, जहां से उस टॉपिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद जब 4 बार 5 बार आप खुद से एक टॉपिक को पढ़िएगा, उससे रिलेटेड वीडियो सुनिएगा, तो उसके बाद आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप बिना देखे हुए उस टॉपिक को खुद से लिखिए। तो दोस्तों यह बेहतरीन तरीका है किसी भी टॉपिक को अच्छे से करने का। अब दोस्तों यह एक सवाल है कि मेंस की तैयारी के लिए रिवीजन की क्या भूमिका है, तो देखिए प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, रिवीजन बिना रिवीजन का हो ही नहीं सकता है, किसी का भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो एक बार पढ़ ले, चाहे प्री पढ़े या मेंस पढ़े, और उसका रिजल्ट हो जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग है वो बार बार भूलता है, चीज़ें बार बार दिमाग से निकलती है, इसलिए बार 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 पढ़ना पड़ता है ताकि वो दिमाग में सेट हो सके, चाहे वो प्री हो या मेंस हो।